देश की चुनावी प्रक्रिया का अहम अंग बन चुके ईवीएम पर उठते शक शंका सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से पूर्ण विराम लगा दिया है। ईवीएम के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि ना ही देश की चुनावी प्रक्रिया ईवीएम से बैलेट पेपर पर जाएगी और ना ही 100% वीवीपैट का मिलान होगा। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस वक्त आया जब दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा था। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार युद्ध छिड़ा है और आए दिन विपक्ष की ओर से ईवीएम से चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल हो रहा है। लिहाजा पीएम मोदी ने चुनावी रैली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए विरोधियों पर हमला बोल दिया। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। हालांकि अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था भी दी है कि ईवीएम के इस्तेमाल के इतिहास में पहली बार इसकी जांच का रास्ता खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनावी नतीजों के बाद पार्टियां और प्रत्याशी ईवीएम की जांच करा सकेंगे। अगर किसी प्रत्याशी को नतीजों पर शक है तो वो 7 दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इसकी जांच करेंगे और इसका खर्च शिकायतकर्ता उम्मीदवार को ही उठाना पड़ेगा। अगर गड़बड़ी पाई गई तो पूरा खर्च वापस होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए और इसके लिए शीर्ष अदालत की ओर से चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया गया है। 45 दिनों तक ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा जाए ताकि कोई शिकायत होने पर इसकी जांच कराई जा सके। दरअसल चुनाव के बाद ईवीएम पर लगातार विपक्षी दलों की ओर से बयान आ रहे थे जिससे जनता के मन में भी शंका पैदा होने का डर था। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं। नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। ऐसे बयानों से उठती शंकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से खत्म कर दिया है। इसके बावजूद विपक्षी दल सरकार में आने पर ईवीएम से वोटिंग प्रक्रिया को खत्म करने का दावा कर रहे हैं। जवाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की ओर से हमला तेज हो गया। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंतोगत्वा सब स्वीकार करेंगे और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं। इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरकार के लिए कोई निर्देश नहीं है, लेकिन फैसले के बाद ईवीएम पर सियासी लड़ाई थमी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। धन्यवाद। कांग्रेस हमेशा चुनाव हार के जब नजदीक पहुंचती है तो ये हमेशा इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, और आज मैं कहता हूं कि यदि दिल्ली का चुनाव होता है, आप पार्टी वहां से जीत के आती है, पंजाब का चुनाव होता है, वहां से आप पार्टी जीत के आती है, उसका प्रश्न का जवाब ये नहीं दे पाते कि जहां ये जीतते हैं वहां पे उनको कोई शंका नहीं होता। चुनाव के बीच ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है, क्योंकि लगातार इसे लेकर राजनीति होती रही है। चुनाव आयोग की ओर से कई बार सफाई भी दी गई, लेकिन वो भी बेअसर रही। इसने हर पार्टी को जिताया है, जो कंप्लेंट करते उनको भी जिताया है। तो अगर मैं कहूं एक बार, अगर ईवीएम बोल सकती तो क्या कहती, तो शायद ऐसे कहती, जिसने तेरे सर पर तोहमत रखी है मैंने उसके भी घर की लाज रखी है। उम्मीद है कि जांच की गुंजाइश वाले विकल्प से अब ईवीएम से चुनाव वाला जनता का भरोसा मजबूत होगा और इस पर सियासत भी थमेगी। आज तक ब्यूरो।